शुक्रिया, मतलब इतनी जल्दी आपने अरेंज किया, ये सब लोग आए साथ में मिलके। और अभी सिद्धार्थ जी बात कर रहे थे कि ये सोशल जस्टिस जिसे बोलते हैं, कि सोशल डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है कि जब जस्टिस होता है, न्याय होता है, तो एक कम्युनिटी फॉर्मेशन में उसका रोल अच्छा होता है। कि जब एक दूसरे पे ट्रस्ट बिल्ड होगी, और ट्रस्ट जब बिल्ड होगा, जब हमारे डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स कैन बी सेटल्ड। एक गांव में 15 केस चल रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, तो वहाँ पे कम्युनिटी बिल्डअप तो वैसे ही अपने आप में ब्रेकडाउन हो जाएगा। और समाज का परिवर्तन के लिए में वो जो हमारा मॉडल है, सब लोग हम जो कह रहे हैं कि पंचायत को स्ट्रेंथन करा जाए, वार्ड सभा को स्ट्रेंथन करा जाए। अब वार्ड सभा और ग्राम सभा तब तक स्ट्रेंथन होगी जब तक सबका एक एक समभाव नहीं आएगा उसके अंदर। और समभाव तभी आएगा जब हमारे डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन जो प्रोसेस है वो अगर कोर्ट में रहेगा, और कोर्ट में केस चलते रहेंगे, और वो 10 10 साल, 20 20 साल, 30 30 साल चलते रहेंगे, तो वहाँ पे संभव आने का विचार नहीं होता है। तो हमने जो देखा आपसे कि पिछले 4 5 6 साल से जो तीसरी सरकार का अभियान है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस का विनीता जी कर रही हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट आर अथॉरिटीज आर, और जो प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई लोगों को पता नहीं कि उनके अधिकार क्या हैं, और बिल्कुल भी अनभिज्ञता जो है अधिकारों की, वो एक अपने अपने बैरियर बन रही है। तो हमने कहा कहीं ना कहीं इन चीजों को जोड़ना पड़ेगा कि हम जब ग्राम सभा की अवेयरनेस कर रहे हैं, तो ग्राम सभा में न्याय न्याय का क्या रोल है, बैठ के छोटे मोटे डिस्प्यूट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो अगर हम देखें इसको, तो हमें थोड़ा सा इसको बैठ के देखना होगा, डिस्प्यूट होते कौन कौन से तरह के हैं गाँव में, क्या पैटर्न्स हैं डिस्प्यूट के। अगर पैटर्न्स 5 6 तरह के पैटर्न्स हैं जो रिपीट होते हैं, यूपी के एक तरह के डिस्प्यूट हैं, पंजाब के दूसरे तरह के डिस्प्यूट हैं, या स्टेट बाय स्टेट डिफरेंट है, उसको अगर हम देखें कि उसकी कैटेगरी कितनी हो सकती है, डिस्प्यूट की कैटेगरी में कितनी हो सकती है, और कौन कौन से डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्वेबल हैं एट पंचायत लेवल, एंड कौन कौन से डिस्प्यूट जो हैं जो काफी डिफिकल्ट हैं, अगर उनको भी हम सेपरेट करें, तो जैसे होता है 10 ग्राम के डिस्प्यूट हैं, 100 ग्राम के डिस्प्यूट हैं, या 1000 ग्राम के डिस्प्यूट हैं। अगर 10 ग्राम और 100 ग्राम के डिस्प्यूट पंचायत रिजॉल्व कर ले, तो कोर्ट का लोड भी खत्म हो जाएगा। जो 4 करोड़ केसेस वगैरह हैं, कभी जजिस से खत्म नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जज जो भी निर्णय लेता है, जब तक आपस में भावना नहीं बदलती, तब तक वो निर्णय हो तो जाता है, पर निर्णय के बाद उसका अमल होना उसके ऊपर मुश्किल हो जाता है। तो हमने चलो डायलॉग तो शुरू करते हैं इस आज के मीटिंग में, उसके बाद देखें कौन कौन से संस्थाएं इसके ऊपर काम कर रही हैं इंडिया में। कुछ संस्थाएं जेल के ऊपर काफी काम कर रही हैं, कि जेल में जो कंडीशंस हैं उसके ऊपर। हम प्रेम जी फाउंडेशन में मैं सुन रहा था, तो वहाँ पे ओपन जेल सिस्टम राजस्थान में था एक जमाने में, उसमें एक ही स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया था ओपन जेल सिस्टम। तो इस बारे में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अभी हम मेरे पास पूरी नॉलेज नहीं है। मैं यही कहा था कि जो जो नॉलेज हमारे पास है ग्रुप में, इंडिविजुअल नॉलेज जो जो है, अगर हम शेयर करते हैं तो क्यूमुलेटिव नॉलेज बनती है ग्रुप की, और फिर बाद में कोई एक अच्छा डायलॉग और कुछ रिसर्च कर सक सेटअप कर सकते हैं, जिसमें इन चीज़ों के बारे में और अच्छी चीज़ें निकल के आए। तो यहीं से आगे बढ़ते हैं, हम सुनना चाहूँगा बाकी लोगों के विचार।